नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है जो लेकर आए हैं आपके सामने दसवीं कक्षा में। इसमें से भी आप लोगों को चार अंकों का प्रश्न पूछा जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलंकार। ज्यादातर बच्चे अलंकार का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि अब हम इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा अलंकार है। आज हम आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि अलंकार को कैसे पहचाना जाता है। देखिए, अलंकार का अर्थ क्या होता है? आप लोग को मालूम है, ज्यादातर लड़कियां और आजकल तो लड़के भी अपनी सुंदरता को निखारने के लिए अलग अलग तरीके के आभूषण और गहनों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो सुंदर दिख सके। आप लोगों ने देखा होगा कितने सुंदर सुंदर तरीके के ऑर्नामेंट्स, आभूषण पहने जाते हैं, गहने पहने जाते हैं, वो अपनी सुंदरता को निखारने के लिए। जिस प्रकार मनुष्य अपनी सुंदरता को निखारने के लिए आभूषण और गहनों का इस्तेमाल करता है, उसी प्रकार साहित्य में जो काव्य है, मैं काव्य की बात कर रही हूं, जो कविताएं होती हैं, दोहे होते हैं, छंद होती हैं, चौपाई होती हैं, उनकी सुंदरता को निखारने का जो काम करते हैं वो है अलंकार। तो यानी काव्य का जो गहना है वो है अलंकार। तो चलिए शुरू करते हैं अलंकार के बारे में। सबसे पहले जानते हैं अलंकार का मीनिंग क्या होता है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण और गहना। इसकी परिभाषा जानते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जो शब्द काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं उसको हम अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक शब्दालंकार और नंबर दो अर्थालंकार। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, शब्दालंकार इसको पढ़ते ही हमें समझ में आ जाएगा कि यानी ये शब्दों के द्वारा जिस कविता या किसी दोहे की सुंदरता बढ़ाते हैं उनको शब्दालंकार कहते हैं, और अर्थालंकार जिसको हम अर्थ के अनुसार पहचान सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से अलंकार हैं जो शब्दालंकार में आते हैं और अर्थालंकार में आते हैं? तो सबसे पहले जानते हैं शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं और उन्हें हम शब्दों के द्वारा कैसे पहचान सकते हैं। तो शब्द अलंकार में आते हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, और अर्थ अलंकार में आते हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। तो अभी हमने जाना कि अलंकार दो प्रकार के हो गए, एक को हम शब्द के अनुसार पहचान सकते हैं और दूसरे अलंकार को हम अर्थ के अनुसार पहचान सकते हैं। तो आपने देखा कि मैंने दो तरीके से वाक्य बोला। एक मैंने सिंपल तरीके से साधारण वे में बोला कि बिजली चमक रही है, लेकिन दूसरा जो मेरा वाक्य था वो था चम चम बिजली चमक रही है। तो आपने देखा किस तरीके से उस वाक्य के अंदर, उस पोयम के, उस कविता के अंदर चम चम बिजली चमक रही है, उसमें एक सुंदरता आ गई है। तो इसी सुंदरता को हम अलंकार कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं शब्द अलंकार का जो पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार के बारे में। चलिए जानते हैं अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। अनुप्रास अलंकार जहां एक वर्ण की आवृत्ति, वर्ण आपको मालूम है क ख ग च व्यंजन जो वर्ण है हमारे, जहां एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी जहां एक ही वर्ण एक से अधिक बार, कई बार आए वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के द्वारा समझते हैं इसको। अब जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, तो आपने देखा इस उदाहरण में चारु च, चंद्र में च, चंचल च, तो यहाँ पे ये च च च ये वर्ण है एक, तो ये वर्ण बार बार आ रहा है। जहां पे एक ही वर्ण एक से अधिक बार आए वहां पे अनुप्रास अलंकार
होता है। एक और उदाहरण जानते हैं, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। तो आपने देखा कि मधुर मधुर मुस्कान मनोहर में म म म म और म, तो यहाँ पे म वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, बार बार ये वर्ण आ रहा है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होएगा। देखो एक बहुत ही फेमस हमारा और भी चारु चंदू की चंचल किरणें अभी हमने देखा, एक हम हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चकाई। तो देखो यहाँ पे चा 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 बार बार आया, तो यहाँ पे यह हमारा अनुप्रास अलंकार हो गया। एक हमने एक गाना भी था तो उसमें भी हमने देखा, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो हमने देखा कि जिस प्रकार यहाँ पे ख ख ख बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पे हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। तो चलिए अब जानते हैं यमक अलंकार के बारे में। तो अब जानते हैं यमक अलंकार के बारे में कि यमक अलंकार को हम कैसे पहचान सकते हैं। इसको भी पहचानना बहुत ही आसान है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानते हैं। किसी काव्य में किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आए, यानी कि किसी भी काव्य के अंदर कोई भी शब्द एक से अधिक बार कई बार आए तो हम उसे, और लेकिन शब्द कई बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग हो, उसके मीनिंग अलग हो, उसका मतलब अलग हो, तो हम उसको यमक अलंकार कहते हैं। तो चलिए इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं कैसे हम इसको पहचान सकते हैं। तो इसका जो पहला उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। तो आपने देखा कि यहाँ पे घटा और दूसरा भी घटा, तो यहाँ पे ये घटा शब्द दो बार आया है, एक से अधिक बार आया है, लेकिन यहाँ पे दोनों का अर्थ अलग अलग है। कैसे? यहाँ पे है काली घटा, काली घटा यानी जब काले बादल छा जाते हैं, तो यहाँ पे इस घटा का मतलब वो है घने बादल, काले बादल, घमंड घटा, और यहाँ पे इस घटा का अर्थ क्या है, कम हो जाना। तो हमने देखा कि यहाँ पे शब्द तो कई बार आए हैं लेकिन दोनों शब्दों के जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। एक का अर्थ है काले बादल घने बादल और दूसरा का अर्थ है कम होना। तो एक और उदाहरण देखते हैं, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाए, उही खाए बोराई जग इही पाए बोराई। तो हमने इस उदाहरण में देखा कि यहाँ पे कनक और कनक एक ही शब्द है और एक से अधिक बार आया है, तो यहाँ पे शब्द तो एक से अधिक बार आया है लेकिन दोनों ही शब्दों के जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। कैसे? देखिए, कनक कनक ते सोगुनी, यानी यहाँ पे जो एक कनक का जो अर्थ है वो है सोना और दूसरे कनक का जो अर्थ है वो है धतूरा फ्लावर। आपको मालूम है धतूरा एक फूल होता है जिसके अंदर पॉइजन होता है, नशा होता है, और जो सोना है गोल्ड है उसमें भी नशा होता है। तो यहाँ पे इस दोहे के द्वारा कैसे इनके अर्थ अलग निकल रहे हैं कि कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाए, यानी सोना और जो धतूरा दोनों में बहुत मादकता होती है, बहुत नशीला पदार्थ होता है। कैसे? इही खाए बोराई जग उही पाए बोराई, यानी एक को तो खाने के बाद मनुष्य पागल होता है लेकिन दूसरे को तो पाने से ही पागल हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कनक शब्द दो बार आया लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हुए। तो यमक अलंकार बहुत आसान है पहचाना कि जहाँ पे एक ही शब्द एक से कई बार आए लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो चलिए आगे जानते हैं श्लेष अलंकार के बारे में। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपकना। तो कैसे? कि जहां
एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं, जहाँ शब्द एक है लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो कई हैं, उसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। तो आपने देखा यहाँ पे पानी एक ही शब्द है और यहाँ पे ये कई बार इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हर बार इसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। कैसे? जो पानी का जो पहला अर्थ है वो मनुष्य के संदर्भ में लिया गया है, यानी इसका अर्थ है कि मनुष्य को हमेशा विनम्रता के साथ, प्रेम के साथ, सभी के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो रहीम क्या कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। दूसरा जो पानी का अर्थ है वो है एक आभा, चमक। आपको मालूम है कि जो मोती है, हमें समुद्र में मिलते हैं मोती, लेकिन वो मोती में चमक कैसे आती है? क्योंकि वो पानी के अंदर रहते हैं और पानी की वजह से उसकी चमक बनी रहती है। यदि वहां पानी नहीं हो तो मोती अगर आपस में कई चीजों से रगड़ खाएगा तो क्या होगा, उसकी चमक चली जाएगी। तो यहाँ पे जो दूसरा पानी का जो अर्थ दिया गया वो चमक से दिया गया है, आभा से दिया है, कि पानी का जो दूसरा अर्थ है उसकी आभा या चमक से, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। यदि मोती में चमक ही नहीं होगी तो उसकी कोई कीमत नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो देखा कि जहां पे एक ही शब्द एक से कई बार आ रहे और हर बार उसके अर्थ अलग अलग है, वहां पे हम श्लेष अलंकार कहलाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार हम अर्थालंकारों को पहचान सकते हैं। आप लोगों को ये शब्दालंकार समझ में आ गए होंगे, तो आगे अर्थालंकारों को जानने के लिए हमारी जो वीडियो है उसको अवश्य देखें और आप उसको फिर आसानी से पहचान सकेंगे कि अर्थालंकार को भी हम कैसे जानें।